वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और ये देखो बाहर का, ये तो अभी इन्होंने सारा साफ कर दिया है। पता नहीं किसने किया है साफ, पूरा भर गया था रात को, यही तो दिखाना था और यही साफ कर दिया। राफी मार नहीं जाना, देखो क्या हुआ हैंडल पे बर्फ। हेलो कर, हेलो। चलो कोई प्लान व्लान बनाते हैं आज का, क्योंकि अभी पढ़ने का मन नहीं है आज मेरा। आज तो फर्स्ट छुट्टी है एग्जाम के बाद वाली, तो आज तो टाइम पास चलेगा पूरा। तो कुछ प्लान्स है, देखते हैं अगर एग्जीक्यूट कर पाए तो, हो पाए तो ठीक। चाय वाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, पेट पूजा करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। मीट स्टैनली अब ठीक है, इसका पैर पहले से बिल्कुल सही वॉक कर रही है। अब तो पता नहीं क्या लगवाया था इसने, चोट वोट क्या देख रही है बाहर तू। थे अपने बन रहे ने आलू के परांठे सवेरे सवेरे, सवेरे तो है नहीं, शाम हुई पी है, 4 बजे पे है। तो आलू के जेडे परौंठे है वो परौंठे खा खा के जिम ना जा रहे, साडा भी अपना एक आलू बार आ रहा है। चलो जो भी है खाना वाना खाते हैं। और टाइम हो गया कुछ 5:15, बाहर तो गया नहीं मैं कहीं पे, बट मन बहुत कर रहा है तो जाऊँगा तो ज़रूर, अभी नहीं छोड़ूंगा। और शाम होगी ऑलमोस्ट, क्या सुंदर लग रहा देख रहे हो, वाह, जस्ट लुकिंग लाइक वाह। कल स्नोफॉल हो गया, आज मेल्ट भी होना स्टार्ट हो गया। देखो इसको भागना है ठंड में, स्नोफॉल में स्नो पड़ी है पूरी, कहीं जाने का रास्ता नहीं है तेरा, क्या करेगी तू। स्टैनली चाट ले, थोड़ा सा चाट ले, चाट ले, चाट ले। इसने नहीं देखा, बच्चे की तरह चढ़ जाती है पीछे। छोड़ दूँ तेरे को बर्फ में, बर्फ में छोड़ दूँ ए। तो यार जो आपने लास्ट क्लिप देखी ना, मैं स्टैनली के साथ ऐसे खेल रहा था, बट उसने ना मतलब एकदम से ऐसे इतनी जोर से ऐसे दर्द वाली फिर से आवाज़ निकाली जो उसने 3-4 दिन पहले निकाली थी जब उसको लिम्पिंग स्टार्ट हुई थी, और फिर से वही उसके लेग में दर्द हो रहा है यार। तो ही मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गया, टाइम लग गया, अभी हो रहा है 7:30, अभी निकला हूं। उसकी एक एक्चुअली वीडियो बना के भेज दी है इंडिया, देखते हैं दवाई जो भी होगी, इन्फेक्शन ही है कोई, एंटीबायोटिक कोई देनी होगी तो फिर वो इंट्रामस्कुलर दे दूंगा मैं घर पे ही खुद से ला के। है तो कोई इन्फेक्शन ही, इसको हुआ किस चीज़ से वो नहीं पता हमें। चलो बस आ रही है मेरी, बस लेता हूँ और फिर चलते हैं। पहले अभी जा रहा हूँ मैं पैनफिलोफ, काफी टाइम से गया नहीं था। गार्डन ऑफ पैनफिलोफ जो है, जो अपना वो है कैथेड्रल, देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में आपने, जेनकोव्स कैथेड्रल। तो क्रिसमस पे तो गया नहीं था मैं वहाँ पे, आज चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या माहौल है, क्योंकि काफी टाइम से मैं गया ही नहीं हूँ। कल दिखाएंगे कोक्टोबे का माहौल, बस स्नोफॉल नहीं होनी चाहिए, जो पिछली बार हुआ था ना वो नहीं होना चाहिए। मैंने यही जैकेट पहनी हुई थी जो भी पहन रखी है, और यही मफलर था, और जो बुरी हालत हुई थी उस दिन, इतनी हैवी स्नोफॉल थी ना भाई। बंदा मेरे जितना मेहनती है, पूरी मेहनत कर रहा है बैठ के, देखो बस का टाइम यूटिलाइज कर रहा है मेरे जैसे, मैं भी ऐसे करता हूँ, बट आज था नहीं, मेरे बस करने का मन नहीं था, जाके करूँगा। Isn't it like the dreamland? इतना सुंदर लग रहा है ना स्नोफॉल पेड़ों पे। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. पूछता हूँ इससे कितने का है, तो बहुत सस्ता है यार, 1000 टेंगे फॉर 90 मिनट्स एंड विद स्किट्स, मतलब स्किट्स का रेंट है 1000 टेंगे 90 मिनट्स के लिए, सही है। और अभी भीड़ है थोड़ी बहुत, देखता हूँ थोड़ा सा खाली हो जाए फिर देखते हैं। और ये सामने है अपना कैथेड्रल, बहुत सुंदर लग रहा है आज, बहुत ही सुंदर। लाइक बेस्ट टाइम है आज घूमने का, क्योंकि कल स्नोफॉल हुई है, आज -3 -5 के आसपास ही है टेम्परेचर, और कोई ज़्यादा नहीं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है सारी जगह, बहुत ही सुंदर। ये देखो एक बार, ये कैफ़े है बारलैंड कैफ़े, पैनफिलोव के बिल्कुल साथ में। पैनफिलोव रात को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब रात को लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है ना इस एरिया में, तो कैफेज़ वगैरह और सारी बहुत सुंदर लग रहा है। नाइस नाइस वन।
तो अभी क्या है सीन है, पहले मैंने रितेश को बुला लिया कि आ जाए यहाँ आइस स्केटिंग करते हैं, बट वहाँ पे ना इतनी भीड़ हो रही है क्योंकि 1000 टेंगे फीस है सिर्फ, तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बिल्कुल उसमें फिर जगह ही नहीं मिलेगी, और वैसे भी हमें आती नहीं है इतने प्रोफेशनल, तो आती नहीं स्केटिंग, गिरते पड़ते रहेंगे वैसे ही टकरा टकरू के। कल देखते हैं, कल दिन में या फिर कल थोड़ा सा उस टाइम पे आए जब भीड़ नहीं है तो बेटर रहेगा। 90 मिनट्स मिलेंगे, अब 90 मिनट्स में पक जाएंगे हम अगर गिरते रहे तो इधर उधर, या तो लग जाएगी और एग्जाम है वैसे ही, घर भी जाना है सही सलामत वन पीस में। कल का प्लान बनाते हैं फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आसमान में देख रहे हो ये यहाँ पे है जो इनके वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो शहीद, और ये इनकी याद में बनाया गया, तो ये एक तरह की जैसे अपने अमृतसर में है ना जब अमर जवान ज्योति, तो उस टाइप के वहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं। ये अभी दिख नहीं रहा है प्रॉपर, बहुत बड़े बड़े स्टैचूज हैं वो, तो क्योंकि ब्लैक ग्रे से बने हुए तो ग्रे कलर दिख नहीं रहा रात को। तो ये है सामने मेगा पार्क, और ये काफ़ी भूख लग रही थी तो सोचा यहाँ पे एक चाइनीज नूडल्स है लाइक सुनने में आया काफ़ी अच्छी है, तो जाके ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। वैसे मैंने लेगमन खाया था, यहाँ का लेगमन भी अच्छा था, और यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, वो बिल्डिंग है ना वो वाली, ये वाली जो मैं फर्स्ट टाइम अलमाटी आया था, मैंने बहुत बार बोला तो फर्स्ट ईयर में यहीं रहा था, तो पूरा साल की यादें हैं इस एरिया से, तो ऑलमोस्ट पूरा साल ऑलमोस्ट। अभी ऑर्डर किया है जस्ट, 15 मिनट लगेंगे, बट न्यू ईयर के चक्कर में पूरा फूड कोर्ट ऐसे फुल है ना, खचाखच भरा हुआ है पूरा। ये है सुशी एंड बार का वेज नूडल्स, लेट्स ट्राई, मेरे को पता लग गया कैसी कैसा टेस्ट आने वाला है इसका। भाई नूडल्स से तो पेट नहीं भरा, डोडो पिज्ज़ा जिंदाबाद, मैंने कहा कुछ जाके बनाना तो है नहीं तो खा के चलते हैं अच्छे से। अब चीज़ स्लाइस ऑर्डर करिए डोडो से, खाते हैं और फिर निकलते हैं। भाई ऑलमोस्ट 10 बज गए, अभी मैं आया हूँ अबाया, यहाँ से लेते हैं 5 नंबर अपनी बस डायरेक्ट, पीछे ये बस आ रही है 3 मिनट में, बस लेके चलते हैं घर पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था मेरा आज का दिन, बताना कैसा लगा व्लॉग, कमेंट जरूर करना कैसा लगा व्लॉग, और लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना जो भी यहाँ तक देख रहे हो। कल होने वाला है न्यू ईयर व्लॉग, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सबको। कल चलेंगे कोकतोबे, और ट्राई करूंगा अरबाद से होके जाऊँ, पहले मैं अरबाद आ जाऊँगा और फिर वहाँ से चल लेंगे कोकतोबे डायरेक्ट बस लेके और फिर ऊपर। कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, नया कुछ दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कैसे लोग इन्जॉय करते हैं न्यू ईयर ईव, होप सो कल बस स्नोफॉल ना हो। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में एक और नए दिन में, राधे राधे।